ओमिक्रॉन संकट के बीच डेल्मिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। विशेषज्ञों से जानिए इन नए खतरे के बारे में विस्तार से। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के मामले भारत सहित दुनिया के तमाम हिस्सों में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 236 के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक के अध्ययनों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ ओमिक्रॉन वेरिएंट को डेल्टा से कई गुना अधिक संक्रामक बता रहे हैं, जिसके चलते लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिकों ने डेल्मिक्रॉन के खतरे को लेकर भी लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्मिक्रॉन लोगों में कोरोना के गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। एक तरफ जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की प्रकृति को जानने के लिए लगातार अध्ययन कर रहे हैं, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए डेल्मिक्रॉन को जिम्मेदार माना जा रहा है। आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डेल्मिक्रॉन क्या है और क्यों इसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ गंभीर मुसीबतों का कारण मान रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक डेल्मिक्रॉन कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट का संयोजन है, यानी कि एक साथ डेल्टा और ओमिक्रॉन संक्रमण हो जाने की स्थिति को डेल्मिक्रॉन नाम दिया गया है। महाराष्ट्र कोविड 19 टास्क फोर्स के अधिकारी डॉक्टर शशांक जोशी ने एक रिपोर्ट में बताया, यूरोप और अमेरिका में डेल्टा और ओमिक्रॉन के ट्विन स्पाइक्स से उपजे डेल्मिक्रॉन ने लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कोरोना के दो अलग अलग वेरिएंट का संक्रमण गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। मीडिया से बातचीत में अहमदाबाद में महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर चंद्रा बताते हैं, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट माना जा रहा है। वहीं डेल्टा के कारण लोगों में दूसरी लहर के दौरान गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं देखने को मिली थी, ऐसे में डेल्मिक्रॉन यानी कि इन दोनों का संयोजन गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। कई देशों में लोगों में डेल्मिक्रॉन संक्रमण के मामलों के बारे में पता चला है। अब तक की प्राप्त रिपोर्ट में वैज्ञानिक इसे काफी गंभीर मान रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में वैज्ञानिक बताते हैं, दुनिया भर में प्रयोग में लाई जा रही कोविड 19 वैक्सीन कोरोना के गंभीर संक्रमण और इसके कारण अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने में सहायक है। ऐसे में जिन लोगों को टीके की दोनों डोज मिल चुकी है उन्हें कुछ हद तक सुरक्षित माना जा सकता है। ओमिक्रॉन की संक्रामकता कम करने में वैक्सीन कितनी असरदार है इसको लेकर अध्ययन किया जा रहा है। उसी आधार पर पता चलेगा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के संयोजन से वैक्सीन किस हद तक सुरक्षा दे सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, बुढ़ापा और कोमोरबिडिटी के शिकार लोगों में डेल्टा और ओमिक्रॉन के साथ संक्रमण का जोखिम अधिक हो सकता है। इसके अलावा दुनिया के जिन हिस्सों में टीकाकरण की दर कम है वहां भी लोगों में इसका खतरा अधिक बना हुआ है। डेल्मिक्रॉन जैसी गंभीर समस्या से बचाव के लिए जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज देने और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को बूस्टर खुराक देने की आवश्यकता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।